हमने कितने पत्र पहुंचाए, कितनी सूचनाएं भेजी, कितनी चिट्ठियां दी, लेकिन तुमने एक पत्र का हमें जवाब भी नहीं लिखा। अक्रूर जी बोले, क्या बताएं भैया, सेवा धर्म बड़ा कठोर धर्म होता है, हम तो राजा की सेवा में लगे रहते हैं। आज राजा की आज्ञा हुई तब हम आए। नंद बाबा क्या बोलते हैं, विनीत जी ने बहुत सुंदर लिखा है, तेरे चिट्ठियां लगातार और कितने संदेश पठाए पर सात बरस के बाद आज भैया जी मिलने आए। मालूम नहीं सम बात तुम्हें करती है वहां यशोदा भी दिन रात बराबर याद तुम्हें यशोदा बहुत याद करती है। चलो आज नंद बाबा ले जाने लगे हैं, हाथों में हार डाल के अक्रूर जी को, और मैया यशोदा ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा, पाए पखारे, पाए पखारे, मधु पर एक कराया, सुंदर आसन पर बिठाला, उसके बाद कुशल पूछा, कहो मथुरा में सब ठीक तो है? अब जवाब दिया, जौले जीवित मथुरा में कंसा तौले बाकी बचे ना यदुवंशा। मथुरा में जब तक कंस जिंदा है तब तक मथुरा की कुशल मत पूछो। चलो आज विश्राम किया, मैया यशोदा कह लगी, कितने दिन बाद आए हो, ऐसा लगता है मानो सूरज पश्चिम में निकला है। क्या बताऊं भाभी, मैं तो राजा की सेवा में लगा रहता हूं, राजा की आज्ञा हुई है जब भी आना हुआ, कैसे आ सकता, सेवा धर्म है, सेवा धर्म कठोर धर्म होता है। आज हमें तो अभी आने का समय नहीं। अकुर जी बोले, कंस बुलाए हैं सुने ताता कही अक्रूर ककाये बाता। कंस ने बुलाया है, गौरस सामग्री सबले हूं और धनु सैयज है कहो दे, सब लोग गौरव सामान महाराज का कहना है, धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो जाओ, गौरव सामग्री लेकर के आओ, और हमारे महाराज का कहना है कि साथ साथ में कन्हैया बलराम को जरूर लेके आना है। नंद बाबा मना करने लगे, क्या कहा, यशोदा मना करने लगे, हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। नंद बाबा भी मना करने लगे, हम नहीं भेज सकते, कंस हमारे बच्चों का बचपन का दुश्मन है। अरे यहां तक तो इतनी आपत्तियां भेजता है, जब हमारे बच्चे वहां चले जाएंगे तो जाने क्या अप्रिय घटना घटते, हम नहीं भेजेंगे। वैसे यज्ञ में बच्चों की कोई जरूरत नहीं है, अगर महाराज कहें कि बच्चों को जरूर लाना है तो हम कन्हैया बलराम को नहीं ले जाएंगे, ग्वाल वालों को साथ में ले जाएंगे।
कुछ ग्वाल बालों को साथ में ले जाएंगे। मनसुखा ने जैसे ही सुना ग्वाल बालों को साथ में ले जाएंगे। मनसुखा के लोगों बाबा हम तुम सब जने चलोगे मथुरा, हम तुम सब जने मथुरा चलोगे और लाला यहां अकेलो रह जाएगो। और कंस ने कछु अपने राक्षस भेज दे तो कछु गुप्त राक्षस यहां आए गए तो हम सब मथुरा में होंगे अकेलो लाला यहां कार कर लेगो। कन्हैया बलराम कछु नहीं कर पागो या के मारे हम जहां जाएंगे लाला को अपने साथ लेके जाएंगे। अपने जीते जी लाला के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे। भगवान श्याम सुंदर बोले हाँ हाँ बाबा ये मंश का बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ठीक है तो तुम लोग तैयारियां करो, मथुरा जाने की तैयारी करो। हाँ हाँ मथुरा जाने की तैयारी हो रही है। छकड़े सजाए, बैलों को सजाया, बैलों के सर से सापा बांध दिए, बजने बजने घुंघरू बांध दिए, रथ को तैयार किया। प्रातः काल नीले नीले और पीले पीले कपड़े पहन करके कन्हैया बलराम, नीले नीले पीले पीले कपड़े पहन करके और कन्हैया और बलराम दोनों लोग तैयार होके आ गए। आगे आप हाँ हाँ बाबा आपने कहा नहीं था सुबह हमें जल्दी चलना है, ठीक है तो तुम अपनी मैया से आशीर्वाद लेके आओ। आज मेरा गोपाल जाने लगा, मैया के पास गया, मैया के पैर पकड़ के कहा मैया मुझे आशीर्वाद दे दे। कहां जा रही हो तुम लोग, तुम दोनों लोग कहां जा रहे हो? बोले बाबा के साथ जा रहे। अरे बाबा तो तुम्हारे मथुरा जा रहे। बोले हम नहीं जा रहे ना मेरे लाल, तुम मत जाओ, कंस तुम्हारा बचपन का दुश्मन है, कंस तुम्हारे बचपन का दुश्मन है, तुम वहां मत जाओ। मां मुझे आशीर्वाद दे दो, मैं अवश्य जाऊंगा अवश्य। मां रोने लगी, आंखों से अश्रुओं की धार बरसने लगी, बाकी चुनरिया गीली होने लगी।